कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप की वारदात के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस गुस्से को भांपते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 बिल पेश किया। इसे सरसम्मत से पारित कर दिया गया। सदन में ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने हाथरस और उन्नाव की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। दरअसल ममता जिस हाथरस और उन्नाव की घटना का जिक्र कर रही थी, इन दोनों ही मामलों में आरोपियों को सजा हो चुकी है। यूपी में कन्विक्शन रेट पश्चिम बंगाल से कहीं बेहतर है। सवाल यह है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए ममता बनर्जी दूसरों पर आरोप लगा रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, अपराध अपराध होता है और किसी अपराध को दूसरे अपराध से जोड़कर देखना मुझे लगता है इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। उनके यहाँ जो घृणित घटना हुई, जिसको इतने दिन वो छुपाती रही, सरकार के सहयोग से वो व्यक्ति बचते रहे और घटना स्थल पे भी तमाम चीज़ें ऐसी घटित हुई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। आज वो विधेयक जो लाई हैं या जो कानून वो पारित करना चाहती हैं, हमें लगता है आधी आबादी के लिए वो जरूरी है, लेकिन उस कानून को पारित करने की आड़ में वो अन्य घटनाओं का जो उल्लेख करती हैं, इससे लगता है कि उन्होंने भारी दबाव में आकर ये कानून पारित किया है। बंगाल में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के विधानसभा के अंदर अपराजिता विधेयक बिल पास होने पर बंगाल की सरकार को बहुत बहुत बधाई। और ये बात सच है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बंगाल की घटना को लेकर के हाय तोबा पूरे देश में मचा रही है, बंगाल के अंदर मचा रही है, लगातार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, शायद भारतीय जनता पार्टी भूल जा रही है कि बेटियों की सुरक्षा के में उत्तर प्रदेश कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों में बेटियों के साथ कितनी घटनाएँ घट रही है। ये बहुत गंभीर मसला है जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ था। अगर डॉक्टर ही नहीं सुरक्षित है तो फिर आम आदमी क्या। यूपी में जो घटनाएं हुई हैं वो बिल्कुल अलग संदर्भ की हैं, अलग तरीके की हैं। तो ममता बनर्जी जो ये तुलना कर रही हैं, दोनों में कोई समानता नहीं। और ये जो बिल वो उन्होंने पेश किया है, ये सिर्फ फेस सेविंग का एक जरिया है कि इस बिल के बहाने सभी का समर्थन विधानसभा में उन्हें मिलेगा, फिर वो ताकि पब्लिक को बता सकें कि देखिए हमने एक सख्त कानून बना दिया। और ऐसे में न्यूज़ स्टेट के बड़े सवाल, बंगाल में रेप पर बवाल, यूपी पर क्यों सवाल, योगी का एक दिन में एक्शन, बंगाल में टेंशन ही टेंशन, उन्नाव हाथरस में मिला इंसाफ, बंगाल में दंगाई मां, विपक्षी राज्य में अराजकता, यूपी पर सवाल उठाए ममता, एसपी के डीएनए में गुंडागर्दी, ममता के सवालों ने हद कर दी। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा मेहमानों से ऋचा राजपूत जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ऋचा राजपूत जी, तुलना बंगाल की, पश्चिम बंगाल की और इस केस के बाद उत्तर प्रदेश की, परिपेक्ष दोनों का अलग है, वारदात को अगर देखा जाए तो वो अलग है, लेकिन तुलना तो करनी ही है क्योंकि राज्य बीजेपी का। शामिल करने के लिए देखिए, एक समानता है हमारी ममता दीदी और टीएमसी के गुंडों में और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों में कि दोनों लोगों के कार्यकाल में जो थाने थे वो हमेशा इनके कार्यकर्ताओं ने चलाए। अभी तो बाबा जी की सरकार है तो थाने पे लगातार कार्रवाई होती है। छोटी सी छेड़खानी की घटना, एक गोमती नगर में घटना हुई थी जब पानी बरसने में एक महिला के संग थोड़ी सी अभद्रता की गई थी और उसको पानी में गिरा दिया गया था। आपको पता है कि बाबा जी का क्या एक्शन था, ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को पकड़ के जेल में बंद किया गया, जितना उनका आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता था किया गया, इसलिए किया गया ताकि उनको सबक मिले और दोबारा कहीं सड़क से महिला जाए तो उससे वो 10 मीटर और 10 फुट दूरी से निकल के जाएं। तो बाबा जी का तो जो एक कहते नहीं है, जो नियम और जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनका प्रतिबद्धता है वो तो दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि जो ये अपराजिता विधेयक लाई है और जिसकी तुलना ये यूपी से कर रही है, मैं जानना चाहती हूँ मेरे ये इंडिया अलायंस के गठबंधन भाई से कि ये विधेयक तो तब काम करेगा ना जब थाने में एफआईआर होगी। अभी हाल ही में जो आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना हुई है, सोचिए इससे ज्यादा घृणित घटना क्या होगी कि बेटी की हत्या कर दी गई बलात्कार करके और माता पिता को फोन करके ये कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है आप आ जाइए। पूरी रात उनको बिठा के रखा गया और ये भी नहीं बताया गया कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं बची है।
इस तरीके की असंवेदनशील पुलिस है, ममता बनर्जी तक तो बात ही नहीं गई है। और आरजी कॉलेज का ये पहला इतिहास नहीं है, चाहे वो संदीप घोष हो चाहे वो संजय राय हो, ये लोग इतने मजबूत हैं यहाँ पर कि इनके कहने से यहाँ के हमेशा अधिकारी बदल दिए गए, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं एक जानकारी और देना चाहती हूँ इस मेडिकल कॉलेज की घटना पे, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। जिस तरीके से हमारे यहाँ यूथ विंग होता है, जैसे कांग्रेस का एक युवा विंग है, भारतीय जनता पार्टी का एक युवा विंग है, इस तरीके से ममता बनर्जी के यहाँ भी एक यूथ विंग है। और जो ये संजय राय अपराधी है, इसका काम था कि इनके यूथ विंग के लोगों को जोड़ना, जो ये अस्पताल में रहकर उनके टीएमसी कार्यकर्ताओं की मदद किया करता था। ये कनेक्शन तो सबको पता है। तो क्या ममता बनर्जी ने जो 2500 के लोग रात में हमला करने आए थे मेडिकल कॉलेज में, जो चेहरे चिन्हित कर दिए गए, क्या ममता बनर्जी ने उनपे तक कार्यवाही करी? भैया अपराजिता विधेयक का होगा क्या? आप लोगों ने तो खुद को बचाने के लिए एक मुखौटा और बना लिया है कि इस मुखौटा को लगाओ, और ज्यादा कहते हैं हमने तो विधेयक बना के रखा हुआ है। तो वहां पर जो जरूरत है वो व्यवस्था। सोफिया खान नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़े हैं। सोफिया जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। इस केस को लेकर यूपी से क्या तुलना, ये जरा समझा दीजिए। हमें समझ में आता है एक होता है अपराध, एक होता है जघन्य अपराध। अब जघन्य अपराध पर यह सियासत भी हो रही है जोरदार, सवाल इस बात को लेकर कि यहां तो कार्रवाई भी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि तुरंत FIR, तुरंत कार्रवाई, लेकिन बंगाल में क्या, जो यूपी से तुलना बंगाल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप सभी को देखिए, हम लोग यहाँ पर रेप की तुलना करने के लिए नहीं बैठे। ये बहुत दुखद बात होती है जब कोई प्रवक्ता आकर किसी भी बलात्कार को कंपेयर करना शुरू कर देती है। हम यहाँ पर आरजीकर की बात करने के लिए बैठे हैं, मैं आरजीकर की ही बात कर रही हूँ। देखिए, आज जो ये बिल पास हुआ है, सोफिया खान जी, थोड़ी चीजें आपको विस्तार से बता दें कि ममता बनर्जी ने उन्नाव हाथरस जैसी घटना की तुलना भी कर दी, यूपी की बात भी कर दी, और आप लोग कह रहे हैं कि हम तो इस पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, आप बिल पर आ जा रहे हैं। देखिए, अभी जब आपने मुझसे सवाल किया, मैं उस सवाल के ऊपर, क्योंकि टीवी का टाइम जो है वो लिमिटेड है, मैं नहीं चाहती कि मुद्दों से मैं फट के उम्र, कहने का ये तात्पर्य था। कंपैरिजन होगी, जब होगी तब होगी, लेकिन अभी मैं ये अपराजिता जी बिल है, अपने आप में एक इतिहास रचा गया है। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के कोनों में, हर राज्य में, उसके पश्चिम बंगाल भी आता है, हर्षण होता है, आज भी बलात्कार होते हैं, आज भी कई बच्चियां जो है वो पीड़ित है हर एक तरीके से। लेकिन आप ये बताइए, कितने राज्यों ने कड़ा कदम उठाया? आप हाथरस को देख लीजिए, अभी मणिपुर में, मैं चलिए मैं पिछला नहीं चाहती हूँ, इस आर्टिकल के मुद्दे के बाद भी कई रेप के केसेस सामने आए। वो दो बहनों को फांसी से लटका दिया गया, उससे लेकर बदलापुर में छोटी बच्चियों के साथ जो हुआ, छोटी बच्चियां जो थी उनके साथ स्वीपर ने टॉयलेट में किया, या अन्य कई राज्यों से हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। एक चीज ठीक है, एक चीज ये बता दीजिए, परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। एक ऐसी जगह जो कि हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर, जरा इसकी तुलना आप अगर हाथरस और उन्नाव से कर रहे तो ठीक है, जरा ये समझा दीजिए कि अगर दिल्ली में निर्भया केस सबने देखा था, इस देश में कानून में बदलाव भी किया गया, बहुत सारी चीजें की गई, उसके बाद क्या स्थिति सबके सामने है, कोई भी राज्य हो, इस पे नहीं जाना चाह रहे। सवाल इस बात को लेकर, इस बिल से होगा क्या, सवाल यही किया जा रहा है कि जब शिकायत दर्ज नहीं होगी तो बिल का करेंगे क्या कोई? देखिए, अगर हम नेगेटिव बात करने के लिए बैठे हैं तब तो नहीं, निर्भया केस तो सबने देखा ना, निर्भया केस देखा, अमेंडमेंट के किस तरीके से किया गया, उसके बाद की स्थिति क्या है सब देख रहे हैं, तो नया क्या है? अगर एक कदम हम सही दिशा की ओर चल रहे हैं तो बूंद बूंद से तालाब बनती है। अगर हमने उस तालाब की खुदाई यूपीए सरकार ने पहले ही कर दी थी, इंसाफ भी होगा। ठीक है, छोड़ देते हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, देखिए ये देखिए राजनीतिक विषय अलग है, मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, ये सामाजिक विषय है। आप कानून के जानकार हैं और दूसरी ओर आप राजनीति के भी जानकार हैं, इस बिल से होना क्या है? सवाल है कि तुलना नहीं करनी है, जब एक मुख्यमंत्री हो तो पूरे राज्य का भला करे। अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की बात होने लगेगी, राजस्थान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की बात होने लगेगी, कर्नाटक की बात होने लगेगी, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। सवाल इस बात को लेकर है कि एक पढ़ा लिखा तबका, एक जगह ऐसी,
अगर दिल्ली में निर्भया केस हुआ तो सबकी नजरें थी दिल्ली की तरफ से, जब दिल्ली की दिल्ली राजधानी है वो नहीं सेव आधी रात में। आज एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं सुरक्षित, तो हम फिर गांव ढाड़ी इनकी बात ही क्यों कर रहे हैं? राहुल भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब थाने में जो पीड़िता जाती है और फिर उसके बाद पुलिस वाले वही बलात्कार कर देते हैं, तो बताओ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कन्नौज के अंदर हुआ। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं आपको कि द्रौपदी का चीरहरण हर प्रदेश में, हर देश के अंदर जो हो रहा है वो एक जैसा है। अगर आप दामिनी की बात करते हैं और या आप यहां पे अपराजिता का बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ना कि हाथरस में क्या अलग था? जबान काट दी गई, अंग भंग कर दिया गया। सीतापुर के अंदर हाथरस, एक चीज बताइए, हाथरस के आरोपी कहां है? बर्ता की गई और हत्या की गई। ठीक है, हाथरस के आरोपी कहां है? आपको मैं तो आपको बता रहा हूं। तो घटना क्या आज घटी है क्या हाथरस की? हास्यास्पद नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर आप जैसे मीडिया चैनल 3 दिन तक बैठे रहे, पीड़िता के घर तक नहीं जाने दिया, आधी रात में सरकार ने बॉडी जलवा दी, तेल डलवा दिए, और आप पूछ रहे हो? जिला अधिकारी सबके सामने हरका रहा था कि कोई वहां नहीं जाएगा। ये एक बात सोचिए कि हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, प्रशांत कुमार जी उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उन्होंने तो कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं। कैसे सीबीआई के अंदर बलात्कार मान लिया गया, एक आदमी एक्यूज हो गया, जबकि उसमें और भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे, क्योंकि वो अभियुक्ता के विरुद्ध खड़े थे, आंदोलन कर रहे थे। तो इसको जस्टिफाइड मत कीजिए। आप बताओ गोल्डन परियाज और ब्रिजभूषण सिंह ने जो अपराध किया है, 14 साल की बच्ची के साथ किया, बड़ी पहलवानों के साथ किया, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा था दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की, सुप्रीम कोर्ट के इंटरमीन करने पे हुआ। और नहीं तो आप इसकी तुलना कोलकाता की तुलना इससे करना सही है? अरे भाई, आप सबकी इज्जत, आप मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास अलग इज्जत होती है, एक गरीब एक चीज बता दीजिए कपीर श्रीवास्तव जी, जब आप कोर्ट में जिरा कर रहे होते हैं, जब जिरा चल रही होती है, एक चीज बता दीजिए कपीर श्रीवास्तव जी, जब आप न्यायालय में जिरा करते हैं, एक होता है अपराध, कपीर श्रीवास्तव जी एक होता है अपराध और एक होता है जघन्य अपराध। जघन्य अपराध क्यों कहते हैं आप हमें ये बताओ? जघन्य अपराध किसको साबित किया आपने? आप मुझे बताओ, हाथरस को आपने रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना? उसमें उसकी जबान काट दी गई, उसकी यौन के अंदर भी जो है वो रॉड दिया गया था, और आप ये बताओ आप मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो बलात्कार है? क्यों नहीं है? रेयर ऑफ रेयरेस्ट में उसको फांसी की सजा हो गई क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का लीडर था जिसने किया था ये हाथरस के अंदर जो कांड हुआ था, ये चिन्मयानंद किया है, राजपूत चिन्मयानंद किया, जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराता है, ये तेल मालिश वालों की बेटी है, ये जो चिन्मयानंद के ओर से सेव कर रही है, और ये जो ब्रिजभूषण की बहन कपीर श्रीवास्तव जी, कपीर श्रीवास्तव जी, व्यक्तिगत तो ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए, आप उनकी बात करेंगे एक मिनट, कपीर श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के अंदर आपके मंत्री प्रजापति क्या कर रहे थे? तो आप भी उन्हीं के बेटे हैं, फिर आप भी उन्हीं के बेटे हैं, व्यक्तिगत ना होइए, महिला का सम्मान कीजिए, व्यक्तिगत ना होइए कपीर श्रीवास्तव अपने भाषा का इस्तेमाल एक दायरे में कीजिए। अरे तुम्हें समझ भी है कि क्या कह रहे हो? इनकी विचारधारा है, इनकी गैर विधिक बातें करते हो, गैर विधिक गायत्री प्रजापति बहन बेटियों की इज्जत, तो आपके चाचा थे क्या? आप इस तरीके से बात कर रहे हैं? ये मुझे बताओ, गरीब की असमत असमत नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ, गरीब की असमत असमत नहीं है। जब आजमगढ़ के मंच से मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के गलती हो जाती है, तब गरीब नंबर वन है, तब गरीब की असमत नहीं थी क्या? और एडीआर की रिपोर्ट है, सुनिए लगातार इनके सांसद और विधायकों पे, जरा बताइए, जब आजम खान क्राइम है जो विचाराधीन है, ये सबसे ज्यादा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के बहनों के रंग बताते थे, आपका संबंध है क्या उससे?
जो बलात्कार किया उसका क्या हुआ? हमें आप बताओ, एमजेएफ का क्या किया? जरा बताइए कपीस जी, 32 महिला पत्रकारों का बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान जी ने आपकी बहनों के कपड़ों के रंग बताए थे? कहां है भारत? चलिए मान लीजिए कपीस जी, मैंने चर्चा में जब आपसे सवाल पूछा, मैं कानून के हिसाब से चीजें चलाना चाह रहा था और आप राजनीति के हिसाब से चीजें चला रहे हैं। सोफिया खान जी, बिल तो ला दिए, सवाल है कि जो बिल में घुसे हुए उन्हें कब निकाला जाएगा? फिर से दोहराइए अपने सवाल। बिल तो ला दिया गया, लेकिन जो बिल में घुसे हैं उन्हें कब निकाला जाएगा? इसकी बात कर रहे हैं, संदीप घोष भी पकड़े जा चुके हैं और संजय राव भी पकड़े जा चुके हैं, बस दो ही थे। और सारा मामला जो है वो सीबीआई में है, तो बिल किसकी बात कर रहे हैं ये मुझे स्पष्ट। जिन्हें बचाया जा रहा हो, लोग दोषी हैं, जो पीछे हो इसके, 5 दिन के अंदर ही सीबीआई के अंडर में थे, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में है। अब आप बताइए कि हो सकता है कि सीबीआई झूठ बोल रही है? अगर वो दोषी नहीं है तो इसका मतलब कि आपकी जो आवाज है वो सीबीआई के खिलाफ होनी चाहिए। आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि बिल में कौन है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दो है ना, क्योंकि पूरा देश तो देख रहा है कि संजय राव पकड़ा जा चुका है, पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुके हैं। अच्छा। बहुत हद तक उसके जो और उस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में और कोई नहीं है, उसके मैच हो चुके हैं। रिया राजपूत जी, मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी सीबीआई कह रही है। रिया राजपूत जी, मतलब बड़े बड़े दुर्भाग्य, हम नहीं कह रहे हैं, कोलकाता पुलिस या बंगाल की प्रशासन नहीं कह रही है। जो बातें कही जा रही थी, आजम खान से बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? मुलायम सिंह यादव से भी बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? जब उन्होंने कहा लड़के लड़की से, लड़कों से गलती हो जा सकती होती है, और गायत्री प्रजापति से भी ज्यादा दुर्भाग्य है क्या? मैं कह रहा हूँ कि आप उन्हें कहेंगे, वो आपको कहेंगे, लेकिन ये सामाजिक विषय है, इस पर बात नहीं करेंगे आप लोग। 55 आपके नेता जो है वो बलात्कारियों में शामिल है, 55 नेता आपके एडीआर की रिपोर्ट है। आप दोनों विपक्ष में लड़ रहे हैं क्या? कहां तक भाग के जाओगे बताओ? 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे कपिल श्रीवास्तव जी, आपके आपके ये समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं, जरा कानून के जानकार के हिसाब से बताइए। मैं छोड़िए, सोफिया खान एक मिनट, कपिल श्रीवास्तव जी देखिए, अमेंडमेंट हुआ ना, कानून में बदलाव हुआ, रुकी वारदातें। सवाल इस बात का कि इस बिल से वाकई वारदातें रुक जाएंगी क्या पश्चिम बंगाल में? हम आपके उस पार्ट को छू रहे हैं जो आप न्यायालय में होते हैं। एक सरकार के पास जो बेहतरीन संसाधन होता है वो कठोर कानून ही होता है, उसका इम्प्लीकेशन किस तरीके से किया जाएगा वो तो आगे आने वाले बातों में साबित होगा। और मैं एक चीज जरूर कहता हूं, जो आपके संदर्भ में आपने कहा कि जब एफआईआर ही दर्ज नहीं होगा तो ये अधिनियम ला करके क्या फायदा, शायद आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि 156(3) सीआरपीसी के अंदर माननीय न्यायालय एफआईआर आदेश करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट इंटरमीन किया दिल्ली वाले ब्रिजभूषण के मामले में, तो अगर एक्ट मजबूत होगा अगर माननीय न्यायालय के भी आदेश उसी पे आ जाते हैं, उसपे भी आ जाते हैं, नहीं होगा उसमें, उसपे भी आ जाते हैं। जिस पहलू को आप छूना चाह रहे हैं कि जो गरीब की बेटी है, जो मजलूम की बेटी है, कोर्ट तक वो जा, जब उनकी सुनवाई थाने पे नहीं तो कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे सब? अरे कोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे, जैसे दो महीने तक अयोध्या कांड की अभियुक्ता घूमती रही और योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जब तक कि उनके अनुसार किसी को आरोपी बनाना था उसने नाम नहीं ले लिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। रिया राजपूत जी, देने दीजिए। जी रिया राजपूत जी, जी मैंने बहुत शांति से सुना है तो मैं इनसे भी सवाल जवाब करना चाहती हूँ। जो कपीस जी चिल्ला के मीडिया पे बोल रहे हैं आपके ही सपा के कार्यकाल में, वो प्यार है मीडिया से उनका, जी ये निकलता रहता है वक्त। जगेंद्र नाम था उनका, जरा गूगल करिएगा, वो बीच में बात सुनिए पूरी, नहीं बीच में नहीं बोलने देंगे, हम नहीं बोले आपके बीच में, ठीक है? अरे भाई आप जिंदा जला दिया गया था, सुनिए मेरी बात, आप इस समय एफआईआर पता है याद है कि नहीं?
आप मुझे ब्रजभूषण जी की बहन बोल रहे हैं, तो जरा बताइए कि आजम खान आपकी बहन के कपड़ों के रंग बताया करते थे क्या मंच पर? पर्सनल ना होइए, मैं कह रहा हूँ। देखिए इस वक्तव्य से चैनल का कोई लेना देना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पर्सनल ना होइए। ये शुरुआत इन्होंने करी ना, भाषा ये सपा वालों की इतनी खराब है ना कि ये लोगों को केवल यही पता होता है कि कौन कितनी गंदी भाषा में बात कर सकता है और उसको उतना ज्यादा सम्मान दिया जाए। वही ना, बलात्कारियों के सम्मान में और ये सीरियल बलात्कार पार्टी मैदान में। अरे आप हमको समझाएंगी बात? सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी पार्टी में बताइए ना, आप ब्रजभूषण सिंह को हटा नहीं पाए, उनके बेटे में परिवारवाद खोज लिया आपने। आपने सेंगर जैसे व्यक्ति को तब तक चिपकाया रहा जब तक कि वो दोषी नहीं हो गया। 6 महीने तक आपने एफआईआर दर्ज नहीं की उन्नाव की बेटी की, और उसके पिता की आपने पुलिस अभिरक्षा में हत्या करा दी। ये आप याद कीजिए राजपूत जी, और आप घटना और महिला के प्रति कोई संवेदना नहीं है, ऐसे लोगों को तुरंत अपना इस्तीफा देके उस राज्य को खाली कर देना चाहिए। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे भाजपा के कार्यकर्ताओं में जितनी भी चली आई है सब बारे में कहने के लिए, जो आप खुद ही गलत और गंदी चीजें लिखती रही है, जिसके लिए आपने क्षमा मांगा है, तो ऋचा राजपूत जी आप खुद सोचिए कि आपको कौन अप्रिशिएट करेगा। देखिए देखिए, आप लोग जिनको बचाना चाह रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह आपकी पार्टी से आ रहे हैं, चिन्मयी आनंद आपकी पार्टी से आ रहे हैं, शंकर साहब आपकी पार्टी से आ रहे हैं, वो गोवा का जो आपका अध्यक्ष जो सेक्स रैकेट चलाता था वो आपकी पार्टी से है, कर्नाटका के वो विधायक जो कौन टीवी बैठ करके विधानसभा में देख रहे थे वो आपके यहाँ से आते हैं, पश्चिम बंगाल का पूर्व अध्यक्ष जो मसाज लड़कियों से कराता था वो आपके साथ है, स्वामी चिन्मयानंद जो बहन बेटियों का बलात्कार एवं निशुलन करता रहा वो आपकी पार्टी से है। मुझे बताइए आप तो रेपिस्ट की पार्टी बन गए, आप भारतीय जनता पार्टी तो शेल्टर है रेपिस्टों का। अब थाना साफ हुआ है, जितने रेपिस्ट है इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से ही निकलता है। जैसे गायत्री प्रजापति इन्हीं की पार्टी की, इसको आजम खान जिस तरीके से कपड़े पहचानते थे इन्हीं की पार्टी की, मुलायम सिंह यादव मंच से कहते थे लड़के लड़के गलती हो जाती इन्हीं के पार्टी से, सब इन्हीं के पार्टी वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन जिस तरीके से एक बिल लाया गया, अपराजिता बिल पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी तुलना करती नजर आए उत्तर प्रदेश से। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तो तुरंत न्याय दिलाने की कोशिश भी होती है और किया भी जाता है, और ऐसे में ऐसे जघन्य अपराध की तुलना क्यों की जा रही है, इसे भी राजनीतिक पार्टियां सोचे समझे, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं सामाजिक विषय है। दो टुक में न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।